तुझे और तू है कौन? मैं हूँ कौन? मैं राणा फ्रॉम हरियाणा। तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइज कैसे हो भाई सारे? बहुत ही मजेदार दिन है आज का, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ एक अपने फ्रेंड के पास पार्टी में, और अभी दियोर के घर से आए हैं। पापा मारा इस सामने देखा रे, गाड़ी मैं चलाऊं पापा, देखो इधर देखो फोन में, गाड़ी मैं चलाऊं पापा तेनू देखेगा। तो अभी मैं वहां जाऊंगा यहां से बहादुरगढ़। तो गाइज घर पे पहुंचे तो देखा भाभी और ने लड्डू बना रखे हैं। तो गाइज ये वाले गोल गोल लड्डू बना रखे हैं, इतनी मजेदार से लड्डू हैं। और मैं तो निकलूंगा, मम्मी मैं तो नहीं खा रहा अभी, मेरे को जाना है। चले किस जाना है? मेरे को कहीं एक पार्टी है, वहाँ जाना है। चावल मैं ना खाया करूँ, थोड़े से तो खा ली ना, मैं ना खाया मत खावे राम खोर। तो गाइज सीधा भी देखाऊंगा, ये सूट भी ले लिए इसमें। दो बुआ है नजफगढ़ और बाडसा, मम्मी पापा और जाने का प्लान था साथ में, बट इनका हो गया कैंसिल। ये बोले कि कल गाजर पाक बनाएंगे, तो वहाँ टाइम लग जाएगा क्योंकि परसू का भाई का बर्थडे भी है, फिर टाइम कौन लगा है। और गाइज ठंड में अपना जैकेट वैकेट पहन के, टोपा ओपा कैप लगा के तब निकला हूँ भाई। और अभी भरवाऊंगे गाड़ी में पेट्रोल, और उसके बाद जाएंगे सीधा बुआ के घर, और फिर अपने दोस्त के पास, और फिर वापस घर। ये हमारी एक छोटी सी जर्नी रहेगी आज की, इस व्लॉग के जरिए आपको दिखाएंगे सारी चीजें। ये क्यों हाथ कर रहा है इतना? ये क्या चाह रहा है स्कूटी वाला? गिरेगा बेटे। गाइज नजफगढ़ का ट्रैफिक देख लो, इतना गंदा ट्रैफिक लगता है ना यहाँ का, बस पूछो मत। इन छोरिया ना घर आके मैं काम कह दे, काम नहीं करे, रीप देख ले स्कूटी पे नू कती चप्पल चप्पल में घूमन लाग रही है। गाइज अभी जैसे ही ट्रैफिक क्रॉस हुआ तो सामने मंडी क्रॉस करते ही पुलिस खड़ी थी, तो रुकवा लिया। मैं बेल्ट कम यूज करता हूँ, सॉरी, बट वही होती है, किसी किसी की आदत होती है भाई, मैं कम लगाता हूँ देखो। तो उसके बाद उन्होंने रुकवा लिया, तो भाई अब आ जा, हम कहा आ गया। डॉक्यूमेंट मैं गाड़ी के भी नहीं थे, लाइसेंस भी घर पे था, और डॉक्यूमेंट मैंने डाल रखे हैं जो गवर्नमेंट की वो साइट होती है उस पे, गाड़ी के भी एंड बाइक के भी और दूसरी गाड़ी के भी। और मेरा लाइसेंस मैंने डिजी लॉकर से निकाल लिया फटाफट, तो बोले ऐसे ऑनलाइन वाले नहीं चलते। मैं कहा क्यों भाई, ये तो गवर्नमेंट ने रूल निकाल रखा है, अगर डॉक्यूमेंट साथ नहीं है तो आपके फोटो वगैरह ये चल जाते हैं, और मैंने तो उसमें साइट पे डाल रखे हैं। तो बोला ऐसे नहीं चलते। मैं कहा भाई ऐसे ही जी ये बात है, तो मैं कहा जिद कर रहे हो आप तो काम का। वो बाकी फिर बाद में मान गए, और वो सब्सक्राइबर भी निकल गए बाद में, धीरे 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 बातें चलती रही, फेस से ही पहचान गए, तो वैसे ही छोड़ दिया। तो भाई फाइनली पहुंच गया, अब चलते हैं अंदर, क्योंकि भाई इसके पास डॉग भी है, तो एक बार पहले कॉल कर लेता हूं, क्योंकि एक बार डॉग का ना बांध देगा कते गट्टे का गट जा मेरे। तो भी चलते हैं, फोग स्टार्ट हो रखी हड़की हड़की। हाँ आगे आगे आ जा भाई, ना बांध रहे पहला। इसको बांध के आ जाए एक बार, कुत्ते से सावधान। तो भाई एक डॉग तो ये है, कति तेरे जैसा मोटा मोटा हो रहा है, डर ला कर इतना भारी मुंह है। गाड़ी देख के ना ये सोच रहा कि और कोई आ रखा है, उसको ये नहीं पता, लेकिन तू ही आया गाड़ी में, क्योंकि अंदर सो रहा था ना। अच्छा तो इसको बांधे बड़े, आ जा अंदर चल, आ जा पहले उसको भी दिखाता हूँ। उसको बांध दिया ना तूने? हाँ बिल्कुल सही बांध दिया भाई मैंने उसको, बढ़िया प्रॉपर जगह। चल एक बार, कहाँ है वो? अंदर ही है। शैडो, हाय शैडो। ओ भाई ऑपरेशन करा रखा है। नहीं भाई साहब मैंने ला, ओ भाई खोलिए ना रे, खोलिए ना। यो यो भी आ गया भाई, मैंने मारेंगे मेरा तो हाथ दो बेचारा फसवा दिया। हेलो गाइस, भाई तो भाई मैं अभी मोहित की फ्रेंडशिप करवाता हूँ। ओ भाई एक तक मैक्स तक करा दे, मैक्स इसके साथ होगी, इसके सर पे आते होगी, इसके साथ फ्रेंडशिप इसके साथ होगी,
इसके साथ मत कराओ। इसके साथ भी होगी? ना ना इसके साथ मत कराओ। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है यार। मैंने लगा एक काम करे मेरे एक काम करे नो बोल भाई सुने नो बोल अंडन चल लगा अंडन चलेगा चल अंडन चल भाई इसने भी खोल दूं मैं ना ना भाई क्या क्या होनी देखा एक मिनट डटिए वो गेट क्यों बंद करे है चल ठीक है कोई ना खोलता जा चल फिर चल चल आए चल आई अभी अभी चाह रहे हैं बर्थडे पार्टी में क्योंकि फिर मेरे को वापस घर भी जाना क्योंकि कल बुआ का सीधा देख आना है और भोग स्टार्ट हो गई है टाइम लग जाएगा यार पहुंचने में तो ऐसे तो इतनी आराम आराम से चलाएगा तो तू भाई धुंध होने वाली है तो आराम में तो चलेगी वही सीन है तो गाइस अभी नेटवर्क भी नहीं रखे तो रस्ते का हमें पता नहीं है तो ये भी सिस्टम गलत हो सकता है हमारे साथ भी आईडिया है हल्का फुल्का रास्ता का रोड चलते चलते पता नहीं कैसे सा आ गया ये कुछ भी ना दिख रहा धीरे धीरे चला भाई बिल्कुल आराम से चला यार कैसे रास्ते पे आ गया मैं मेरा नहीं कुछ नहीं है बाइक तो खड़ी है उस्ताद जी के हाँ ये पता नहीं किसकी बाइक खड़ी यार इतनी रात में यहाँ पे पता रास्ता है उस्ताद का सुत्ता एक नंबर बहुत बेकार रास्ता है एकदम यार आधा गाड़ी खुल दी जाएगी भाई ड्राइवर बड़े क्या और कुछ नहीं दिख रहा सच में भाई साहब गलत आखर सीन बन गया था इस पे भी वो लग रहे हैं इस रोड पे काफी देर हुई चलते हुए ईव रोड नजर आया है वाइपर और गलती तो लग गया पूरा वाइट हो गया और गाइस अभी एक चीज और बताऊं बर्थडे पार्टी में मुश्किल जायजा का ऐसा सीन हो गया अशुभ काम हो गया शुभ काम पे जा रहे थे बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है हमारे साथ में अभी तो भी भाई वापस ऑफिस पे चले ना हाँ ऑफिस पे चल अब तो वहाँ पे भी जाने में टाइम लगेगा भाई तो आराम आराम से चल रहे है 20 की स्पीड तक चल रही है गाड़ी कुछ भी तो ना दिख रहा हल्का सा दिखा बस यहाँ पे थोड़ा कपड़ा सा था वो रस्ते में रुक के हमने साफ किया थोड़ा सा और वाइपर गलती से चल गया था वो वरना पूरे के पूरे में फैल गया था ये अंडे का ये जो भी था उस टाइम पे वीडियो चालू कर रहे थे ना तो चेटक का सुत्ता बन जाता वही तो शुक्र है भाई वीडियो चालू थी अगर वीडियो चालू नहीं होती उस टाइम पे तो भाई सीन था हमारी कौन सच मानता कोई नहीं भाई साहब दिल दहलाने वाली हरकत होगी और भाई आगे थाम जरूर जान रहा क्यों वाइपर भूल के भी मत चला दियो मैंने एक दिन लाइव में ही बोली थी धरती मेरे साथ दूसरी बार हुआ ये चीज दूसरी बार पहले मैं एक बार जा रहा था हरिद्वार अच्छा, मेरठ में होया था मेरे साथ अच्छा हम यार दोस्त थे पर गाड़ी में चला रहा था वाइपर नहीं चलाया पर तो भाई शहर में एंटर हो गए मतलब अभी भी नहीं दिख रहा है देखो कितना वाइट हो रखा है जलम हो गया भाई पर ये है और लोग तो दिख गए ही उस टाइम पे तो सुनसान रोड था कती भाई ये है धक 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 हो रही थी भाई रोमटे से खड़े हो गए देख दो फाइनली पहुंचे हैं ड्राइवर चेंज हो गया रास्ते में चल भाई एक काम कर थोड़ा पानी मार ले भाई इस शीशे पे क्योंकि भाई सर्विस स्टेशन जानती भी कुछ तो दिखना चाहिए मैं कुछ भी तो ना दिखता और घर जाने का प्रोग्राम हुआ कैंसिल भाई सुबह जाऊंगा घर पे क्योंकि इतनी दुर्घटना घट ली के मेरा रास्ते में क्या हो जा तो फिर चालू हो गया ओ परमात्मा रुक जा भला नुकसान हो रहा है बाकी नुकसान तो कुछ ना होया है हाँ एक चीज डंडे डुंडे ले रहे थे कंपोनेंट पर दिक्कत नहीं आई है ये लग रहे अंडे आड़े ये निशानी भाई है वो कुछ डंडा ले रहे थे यार मार गए भाई साहब मैंने सीन करके सीन बैठा दिया हम नहीं सोच रहे थे मां चलो नुकसान तो बच गए पर कोई ना स्क्रैच है सारी जिंदगी बच गई वो बतेरी देख ले भाई धुन देखो भाई कितनी को रखी है बिना बीड़ी के धुमा निकालो जादूगर मेरा ऐसा जी कर मैंने होटल लेना पड़ा तो ये रखे गए थे पहला पाइप लिया कुतन मत ले तो गाइस इतने दाडे में रात ने वाह भैया जा मान गए भी की ईसा कामयाब छोरा वाह भी वाह मान गए तेरा पक्का सर्विस स्टेशन खोलूंगा एक काम करे लागी लागी सारी धोते मैं गाड़ी भी दूंगी इतना रहा कुछ भी फोग इतनी चल रही है
यार तू ही थाम ले मेरे भाई। भाई सी गला तेरे दोस्त ही करा दूं भाई। यार ये तो तूने इतनी नस्ल ले रखी खतरनाक है। देश की आंख आंख बड़ा हंसता है ना। कैमरे में बड़ा है भाई बस सुना बोलती। फाइनली एक घंटे में जाके इससे फ्रेंडशिप हुई है। रिपीटर लग गया हंसता होगी ना इसके अलावा होगी मेरी यो सियाणा एक नंबर मानस है यो। तो गाइस अभी गाड़ी वाड़ी धो के अंदर आ गए सारे सेट हो गए और अभी करते हैं इस वीडियो का भी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई आज मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि चेटक बहुत ज्यादा गलत हो गया। और सेफ रहना भाई, आपको भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो भी अकेला बंदा जाता है रात के टाइम जाता है, ठंड में ही ज्यादा चेटक होते हैं ये। तो गाइज प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान रहिए और अपनी गाड़ी में डंडा या कुछ भी ऐसा सेफ्टी रखना। और ऐसा कुछ सीन हो जाए कि अंडा लग जाए तो प्लीज वाइपर मत चलाना भूल के भी, और गाड़ी को भगा लेना, रोकना मत बिल्कुल। तो गाइज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाय बाय बाय। जिसने भी अभी तक नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।